मैं मोहम्मद कलीम ट्रस्ट न्यूज ऑफ इंडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम और सच्ची खबरें। इबादत करते हुए एक इंसान को जो है ना अल्लाह ताला से जो जुड़ा हुआ था, ये अल्लाह ताला से जुड़ने के बाद उसको इबादत करते हुए उसके साथ बदतमीजी की गई है। हमारे साथ बदतमीजी करके देखे ना, किसी खालसा को ऐसे मार के देखे, फिर हम बताएंगे कि क्या होती है। हम तो यहाँ पर आए हैं, हमें दुख लगा कि इबादत करते हुए किसी को अगर गलत किया जा रहा है, हमें दुख लगा। हमने वीडियो देखी, हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग इनके साथ खड़े हैं। हम जो भी हैं, जितने भी खालसा पंथ है, चाहे वो 1% है 1.5% है, हम इनके साथ खड़े हैं। इनको जहाँ भी हमारी जुड़त होगी इनके साथ खड़े हैं, जिस भी चीज़ की इनको जुड़त होगी इनके साथ खड़े हैं। ये अगर संघर्ष करेंगे तो हम इनके साथ खड़े हैं। ये जो आप प्रशासन है औरों के लिए भी तो आप VIP ट्रीटमेंट करते हो ना, रोड खाली करा देते हो ना, तो एक घंटे के लिए आप इबादत नहीं करने दे सकते किसी को। हम सिख समुदाय से आते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है ना, और ये गलत है और इसका विरोध है। और ये लोग जो है ये कौम दब चुकी है, ये कौम मुर्दा कौम है, ये लोग जाग नहीं सकते हैं। ये मुसलमान कौम मुर्दा कौम है, ये कभी जाग नहीं सकते।